बारिश अब कहां सावन की राह देखती है। नवंबर आने को है और छटा तो ऐसे बरस रही है जैसे जुलाई का महीना हो। मन ही मन बुदबुदाते हुए मालिनी वार्डरोब में कुछ ढूंढ रही थी, तभी एक पुरानी डायरी मिली जिसमें से सूखा हुआ गुलाब नीचे गिर गया। पंखुड़ियां सूख चुकी थीं, अब रंग भी कुछ गहरा हो गया था, पर यादें अब भी बारिश की बूंदें पड़ने पर खुशबू देने वाली मिट्टी की तरह ताजा होकर महका गई थी। कॉलेज में देवमू सुहाने मौसम का मजा लेने को उकसाते थे। फिर हमारी दोस्ती प्यार के गलियारे से गुजरते हुए शादी की चौखट पर आ गई। सुहाने मौसमों का दौर अब हमारे जीवन से जाने लगा था। डोरबेल बजी तो मेरा ध्यान उन यादों से बाहर आ गया। दरवाजा खोला तो सामने मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे। मालिनी, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, आज काफी थक गया, आज ऑफिस में काफी काम था, सोफे पर ऑफिस बैग रखते हुए उन्होंने कहा। मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया। यह नई बात नहीं थी कि उन्होंने मुंह पर ध्यान नहीं दिया। आज मैंने उनका पहला तोहफा पहना था जो उन्होंने मुझे शादी के बाद दिया था। वक्त रिश्तों में वाकई कई बदलाव ला देता है, यह मुझे महसूस होने लगा था। ऐसे बदलाव जिनके हम आदी नहीं होते हैं या शायद नहीं होना चाहते हैं। मेरे हस्बैंड जो मेरी चाय के बिना न तो शाम की थकान उतारते थे और न ही सुबह की शुरुआत करते थे, उनका ध्यान धीरे धीरे ही सही कम हो रहा था। मूड पर से, हमारे रिश्ते पर से। हमारी एनिवर्सरी को 2 दिन बचे थे। मेरे हस्बैंड को याद नहीं था शायद, मैं जानती थी कि आजकल प्रमोशन के वजह से उन पर काम बढ़ गया है, पर फिर भी मैं उनका थोड़ा वक्त चाहती थी। होता है न अक्सर हम दिमाग को सम लिया करते हैं, मगर मन को सम ना मुश्किल हो जाता है। घंटे बाद उनके ऑफिस के बाहर खड़ी थी। मैंने उनको कार में बैठने का इशारा किया। आज कार में ड्राइव करूंगा, उन्होंने कहा। मैं जहां एनिवर्सरी को लेकर कुछ सोच रही थी, वहीं मेरे हस्बैंड का यूं अनजान बनना मुंह दुख दे रहा था। हम चाहे कितने भी सम दार या अंडरस्टैंडिंग वाले क्यों न हो, पर अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस न चाहते हुए भी होती है कि वह हमारा ख्याल रखे, हमारी पसंद नापसंद को अहमियत दे, हमारे साथ वक्त बिताए, हमसे जुड़ी चीजों को याद रखे। मैं खुद को समझने की कोशिश कर रही थी, हमारी लाइफ अब बदल गई है, हम शायद हस्बैंड वाइफ से ज्यादा माता पिता है और हमें उस पर फोकस करना चाहिए। मैं ये सब सोच रही थी कि तभी मेरा ध्यान रास्ते की ओर गया कि यह तो घर का रास्ता नहीं है। तभी कार समुद्र के किनारे रुकी, मैं समझ नहीं पाए। तभी देव ने मेरी तरफ सफेद गुलाब बढ़ाया, दोस्ती करोगी मुंह से। देव के इन शब्दों ने मुंह कॉलेज के दिन याद दिला दिए जब देव मुंह सफेद गुलाब देने आए थे और यही शब्द कहे थे। मैं न कर दूंगी, इस डर से यह भी कहा कि सीनियर ने कहा है। हमारी दोस्ती से शुरू हुआ सफर जिंदगी के कई रास्तों से गुजरा था। दोस्त, हस्बैंड वाइफ, माता पिता। देव अभी भी मेरी तरफ कॉलेज वाली मासूम शक्ल बनाकर देख रहे थे। मैंने भर्राए आवाज में जवाब दिया, तुम्हारी दोस्त तो हमेशा तुम्हारी है देव। हम दोनों की आंखें नम थी। देव ने मुंह गले लगा लिया। शायद सालों बाद हम दोनों को अपनी दोस्ती से शुरू हुआ प्यार जो दोबारा हरा भरा हो गया था, आज मुंह लग रहा था जैसे कि जिंदगी का सफर और वह सफेद गुलाब फिर खिल गया हो।